नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय क्रूव्स फैशन एंड को स्पॉन्सर्ड बाय महल बैंकेट। महल बैंकेट, क्रूव्स फैशन। कुलतली थाना अंतर्गत भुवनेश्वरी ग्राम में तृणमूल भाजपा के संघर्ष से पूरे इलाके में उत्तेजना का माहौल है। बताया जा रहा है कि 7 भाजपाई घायल हुए हैं। कई घरों में तोड़फोड़ की गई है, जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। सरकारी जमीन को लेकर दोनों दलों में भिड़ंत की खबर पाई जा रही है। एक बार फिर कोलकाता शहर में अग्निकांड की घटना घटी। इस बार पार्क स्ट्रीट स्थित एक कपड़े की गोदाम जलकर राख हो गई। रात 1 बजे आग लगी तो दमकल को खबर लग गई। घटना स्थल पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी के अनुसार एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी। জল আছে কিন্তু পাম্প কাজ করেনি, আমাদের পাম্প দিয়ে পুষিয়ে সেখান থেকে জল দিয়ে কাজ করতে হয়েছে। জলটা ছিল তো মানে খুব সমস্যার, মানে খারাপ সমস্যা, মানে আপনাদের তো খুব সমস্যার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। তো মিডিয়া ছিল বলে জ্যাম ছিল না, বা আপনার লোকের ভিড় ছিল না বলে কাজ বই নিয়ে গেছে। পাশের দোকানটা ফুলি সেফ হয়েছে, সিমিলার কাইন্ড অফ সব ছিল, সেটা ফুলি সেফ হয়েছে। জানলা কপাট সব উডেন প্ল্যান দিয়ে তাকে কভার করে দেবে, ফলে কি হয় ধোঁয়া যে আগুন যে ঝেঁয়া যাবে, ধোঁয়া ঝেঁয়া হয় সেটা ধরতে পারবে, ফলে আমাদের এন্ট্রিতে একটু সময় লেগেছে। चुनाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दक्षिण 24 परगना जिला अंतर्गत बिष्णुपुर के आमतला में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में प्रशांत किशोर, डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र के सांसद अभिषेक बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस महासचिव सह शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी सहित बांकुड़ा पुरुलिया जिला के विभिन्न प्रतिनिधि दल मुख्य रूप से उपस्थित थे। রাজ্যপালকে আজকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে না? না, রাজ্যপাল কালো না, রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল আলাদাভাবে নিজের ওই সংবিধান দিবস পালন করছেন আলাদাভাবে, কি বলবো, আমার কিছু বলার নেই। উনি কি করছেন উনি বলতে পারেন, বলছি আমার জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা নেই। আমি তো বারবার বলছি উনি কি করছেন উনিই বলতে পারবেন। আর আপনারা অনুগ্রহ করে রাজ্যপাল বিষয়টি নিয়ে আমাকে আর এই আমার ক্ষমতা রাখি, যে কোনো দলের ব্যবধান তৈরি করে দেন নেত্রী মমতা মুখোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে যা করা হবে। আপনাদের পুরো ভোট দিয়ে কোনো স্ট্র্যাটেজি আছে? আমাদের সব ভোট দিয়ে স্ট্র্যাটেজি আছে, পুরো ভোট কেন, আমরা মমতা চালাবার জন্য উন্নয়নের স্ট্র্যাটেজি আছে, আমাদের সবটাই স্ট্র্যাটেজি।
এই সময় মতনই তা দিন এই পুরো ভোট আপনারা কিভাবে চাইছেন, ইভিএম এ হোক নাকি ব্যালটে? না সে তো আমি বলতে পারবো না, তার পুরো মন্ত্রী আছে না। এমনিতে যেটা জানা যাচ্ছে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন তারা বলেছে তারা এবার আমার কাছে এরকম কোনো খবর নেই, খবর থাকলে তো তোমায় দেবো। আরেকটা লাস্ট বার্তা, সেটা হচ্ছে যে এই যে ভোটটা অনেকদিন অনেকগুলো পুরসভার পেন্ডিং রয়েছে, সেটার কোনো ব্যাড ইফেক্ট করতে পারে যে এতদিন ভোট হলো না তারপর ভোট হতে যাচ্ছে? দেখো এই কথাগুলো তো ভেবে লাভ নেই, দেখতে হবে মানুষ উন্নয়ন পেয়েছে কি, দেখতে হবে আমরা ঠিক মতন কাজ করেছি কি, দেখতে হবে মানুষের পাশে আমরা ছিলাম, সবকটাতেই আমরা এগিয়ে আছি। ওয়াক্ত চলা হ্যায় এক ছোটে সে ব্রেক কা। शहर का सबसे यूनिक और वेल अरेंज मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, 10,000 स्क्वायर फीट लॉन एरिया और 6,000 स्क्वायर फीट पार्किंग एरिया के साथ फर्निश्ड एसी रूम्स, मल्टीपर्पज एसी हॉल्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर और लिफ्ट फैसिलिटी का भी बंदोबस्त है। लाइटिंग, डेकोरेशन, चेयर्स, टेबल भी दस्तयाब है। आसनसोल के इलाके में अपनी तरह का एक अकेला मैरिज हॉल जिसमें हर तरह की सहूलियात मुहैया है। शादी ब्याह और दूसरे प्रोग्राम के लिए जरूर बुक करें। हमारा पता है महल बैंकेट, हाटन रोड नियर दानिशगढ़ स्कूल, 9832129091। क्रूव्स फैशन शिल्पांचल में यूं तो कपड़ों की दुकानों की भरमार है, लेकिन क्रूव्स फैशन की बात ही कुछ और है। यहाँ लेडीज के लिए ऑल टाइप ऑफ साड़ी, लहंगा, कुर्ती, प्लाजो, गाउन, सूट, ऑल टाइप ऑफ जींस। वहीं जेंट्स के लिए फॉर्मल शर्ट, पैंट, टी शर्ट, बरमूडा, जींस मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध है। साथ ही साथ पूजा ऑफर में 20% तक की छूट और अट्रैक्टिव गिफ्ट्स, तो आज ही आएं। हमारा पता है मुर्गा सॉल, जीटी रोड ऑपोजिट मालती मंगल प्लाजा, आसनसोल। वीवो, ओप्पो, जियोनी, सैमसंग, नोकिया, एप्पल जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन लेनी है तो आज ही आए एसके इंफोकॉम में। एसके इंफोकॉम, नाम सबसे ज्यादा, दाम सबसे कम, साथ ही है फाइनेंस फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ पुराने फोन एक्सचेंज कर नए फोन खरीदे बिल्कुल वाजिब दरों पर। ध्यान रहे हमारे यहाँ सर्विस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो इतनी सारी सुविधा जब एक ही इंफोकॉम में हो तो कहीं और क्यों जाना? आज ही आना एसके इंफोकॉम, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वसनीय प्रतिष्ठान। एसके इंफोकॉम, अ कंप्लीट मोबाइल शोरूम, एमसी रोड इतवारी मोड़। दैनिक जीवन में व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी है। आज गृहिणियों को रसोई की सामग्री के अनुपात घटाने पड़ रहे हैं। हालात को बिगड़ता देख सूबे की मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। तभी से टास्क फोर्स बाजार पर कड़ी नजर रख रही है ताकि सब्जियों की काला बाजारी बंद कर महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। সে তো পরে 2800 টাকা বাজারে ওঠেনি বললে হবে না। পরশু দিন 52 টাকা কিলো ছিল কোলে মার্কেটে 52 টাকা কিলো ছিল, কালকে 2400 টাকা, 1 নম্বরটা 2450 টাকা দিয়ে ছিল, এটা আজকে আপনি বলছেন 2800 টাকা উঠে গেছে। না না, এই তো আজকে হবে না, আজকে না না আজকে বেঁচেছে মাসে। আমি পোস্টা বাজার দিন की दौरा पर मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में एक टीम रांची पहुंची और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जहां झामुमो के महासचिव सुप्रियो ने कहा कि भाजपा राम मंदिर के नाम पर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि आलोक दुबे ने कहा कि झारखंड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था, तो 5 चरणों में चुनाव क्यों? भैया आगे चले गिरी साहब। आ गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोगों ने निवेदन किया कि अगर अति उग्रवाद झारखंड में थे तो फिर 5 चरणों में ही क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने 1 या 2 चरणों में चुनाव करने की मांग रखी थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरणों में चुनाव करने की बात की थी। इसलिए यहाँ के लोगों को और राजनीतिक दलों को आशंका प्रबल होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करती है चुनाव आयोग। दूसरा, हम लोगों ने निवेदन किया है कि किसी भी मामले को लेकर अगर हम आवेदन देते हैं चुनाव आयोग को, तो वो आचार संहिता में है या नहीं है या उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती। तीसरा, हम लोगों ने निवेदन किया कि झारखंड के कई जिलों के उपायुक्त, लगभग सभी उपायुक्तों ने झारखंड विथ मोदी का कैंपेन चलाया, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि उपायुक्तों ने किस तरह से एक प्रवक्ता के रूप में अधिकारियों ने काम किया। हमने ये भी कहा है कि 3 वर्षों से अधिक कई ऐसे अधिकारी हैं जो अब तक उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो इन लोगों को ट्रांसफर किया जाए। काम किया है जिस प्रकार से झारखंड की जो भौगोलिक बनावट है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी से लगातार बढ़ते दबाव के कारण वहाँ पर निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव में खतरे उत्पन्न होते हैं संदर्भ में हम सब लोगों ने बात क्या कहा। और साथ ही साथ हम सब लोगों ने बात किया कि यहाँ पर ऐसे कई विदेशी पैसे के खेल पर लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगाने का लोग काम करते हैं। कई ऐसे NGO जो यहाँ पर रह करके और मतदाताओं को प्रभावित करने का वो काम करते हैं। और साथ ही साथ हम सब लोगों ने कहा है कि खराब EVM जब मशीन खराब होता है तो उसके रूप में वैकल्पिक EVM मशीन की व्यवस्था हो। साथ ही साथ जाड़े का दिन है, जाड़े के दिन में हम सबको जानते हैं कि सनसेट जल्दी होता है और कहीं EVM मशीन खराब होता है तो मतदान के समय में अवधि बढ़ाई जाती है, तब प्रकाश की व्यवस्था हो और महिलाओं के लिए मतदान केंद्र पर शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और फर्जी मतदान पर रोक लगे। इसलिए चुनाव को निर्भीक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम सब लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ है उन पर प्रॉपर जो पारा मिलिट्रीज का जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए वो हो। पारा मिलिट्री उन स्थानों पर जरूर होना चाहिए जहां पर मतदान को प्रभावित करने वाले ऐसे कई तत्व रहते हैं। लोग के समक्ष हम लोगों ने अपने दल के तरफ से जो बातें रखी, एक तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के वापसी को लेकर सरकार ने 15 तारीख को दिल्ली में घोषणा की कि हम उसे वापस लेते हैं। लोगों के बीच जो आक्रोश था उस आक्रोश पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ये फैसला था, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। इसको इसके बाद अन्य रूप में फिर से लाई जाएगी और यहाँ के 1/3 आबादी को उसके अस्तित्व से ही गुजार दिया जाएगा। इस पर हमने उनका ध्यान आकृष्ट करवाया। जिस प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म पर पैसे देकर वो कई ग्रुप बना रहे हैं और केवल ग्रुप नहीं बना रहे, उससे घृणा की वातावरण का निर्माण हो रहा है।
उस पर भी हम लोगों ने आग्रह किया। हिंदुस्तान कॉपर्स जो बहुत वर्षों से बंद था, हमारे आंदोलन के बाद वो खुला एक यूनिट, उसमें कई नियुक्तियां थी। अभी 16 तारीख को स्थानीय संवाद पत्रों में विज्ञापन छपा और लगभग 47 लोगों की नियुक्ति की उसमें प्रकाशन किया गया और जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर को, अर्थात बेरोजगारी जो सबसे बड़ा संकट है प्रदेश सहित इस राज्य का, उस पर सरकारी नियोजन देना। आज के लिए बस इतना ही, कल इसी समय इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।